नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। आजम की विधायकी रद्द करने वाले जज का हुआ प्रमोशन। रामपुर एमपी एमएलए को ने जज निशांत मान बने एडीजी। में बढ़ा निमोनिया, कानपुर में 5 की मौत। वायरल संक्रमण से फैला रोगियों के शॉक में जाने से अचानक गिर रहा है बीपी। किलोमीटर दूर खड़े टैंकर का वाराणसी में कटा चालान। NS2 पर बदले जा रहे वोलो ट्रकों के फास्टैग चिप। नोएडा में लिफ्टर गैंग से एनकाउंटर। लिफ्टर देकर युवक को बैठाया आग पर, पट्टी बांधकर 4 घंटे घुमाया। कानपुर में पीआरवी पर पथराव, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे के घर में हुई चोरी। चोरों ने टीवी और कीमती सामान बांधा, पड़ोसियों के शोर मचाने पर भागे। गाजियाबाद में 2 मर्डर, 1 की हत्या का प्रयास। देवी जागरण से लौट रहे थे व्यक्ति को चाकू से गोदा। SR स्कूल की छात्रा की मौत में हत्या की FIR। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीढ़ और पैर की हड्डी टूटी मिली। BHU में 600 रुपए दिहाड़ी के फर्जी डॉक्टर MBBS पास ने 12वीं पास को रखा, उनकी जगह ड्यूटी करते थे। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत। हाईवे क्रॉस करते समय चपेट में आया, 12 दिन पहले हुई थी पिता की मौत। बदमाशों ने युवक के सीने में मारी गोली। आजमगढ़ में मऊ के बदमाशों ने किया हमला, पैसों के लेन देन में हुआ था विवाद। एटा में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, 1 गो तस्कर के पैर में लगी गोली, 5 गिरफ्तार। मेरठ में घर में घुसकर मारपीट, हथियारों के बल पर नकदी और जेवर लूटा। पुलिस ने कहा मामला लूट का नहीं, आपसी रंजिश का है। रायबरेली में बेटे ने मां की हत्या की, शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसे, नहीं देने पर कर दिया मर्डर, आरोपी फरार। दस दिन बाद गाजीपुर पहुंचे 4 दोस्तों के शव, किसी के ताबूत में सिर्फ धड़ तो किसी के जले कपड़े। आगरा में SDF ने 10 पिस्टल के साथ 3 लोगों को पकड़ा। MP और महाराष्ट्र से 10,000 में खरीदते थे। परिवार परामर्श में केंद्र में टूटने से बचाए गए 2 रिश्ते। बिजनौर में पुलिसकर्मियों ने दो परिवारों में कराया सुलह। बुलंदशहर में 10 प्रधानों को गणतंत्र दिवस पर होगा सम्मान, CM पंचायत पुरस्कार से होंगे सम्मानित। सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को रौंदा, बाइक के उड़े पर खर्चे, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बैंककर्मी के बंद घर से 7 लाख की चोरी। रात में छत का जाल उखाड़ कर घर में घुसे चोर, जेवर नकदी आदि ले गए। भदोही में तालाब की जमीन में हटाया गया अतिक्रमण, JCB से ढाया गया अवैध निर्माण।
औरैया में बाइक और स्कूटी में आमने सामने भिड़ंत हादसे में एक की मौत, दो घायल, टेंट लगाने जा रहा था मृतक। बागपत में पशु क्रूरता अधिनियम में दो अभियुक्त गिरफ्तार, चेकिंग अभियान के दौरान की गई कार्यवाही। कुसुम सरोवर में नहाते समय डूबने से युवक की मौत, गोताखोरों की मदद से निकलवाया गया शव। प्रयागराज में पिस्टल समेत दारोगा तीन दिन से लापता, करबला चौकी प्रभारी के खिलाफ गैरहाजिरी की रिपोर्ट। कानपुर में जमकर बोल रही शराब वर्दीधारी, नशे में धुत, नाली कीचड़ में पड़ा सिपाही, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में वृक्षावृति छोड़ चुके बच्चों के लिए शुरू की गई स्मार्ट क्लास, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फीता काट कर की शुरुआत। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी के दोस्त को किया गिरफ्तार, अन्य जिलों में आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी पुलिस। लखनऊ में हर्ष फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी, हर्ष फायरिंग करते हुए युवक की करतूत हुई कैमरे में कैद। मेरठ में एसडीएफ और पुलिस ने किया अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापेमारी, छापेमारी में भारी संख्या में पिस्टल बरामद। अलीगढ़ में भैंसों के लिए उधार इंजेक्शन मांगने पर दबंग दुकानदार ने युवक की पिटाई की, जांच में जुटी पुलिस। औरैया में आगामी गणतंत्र दिवस त्योहारों पर लेकर प्रशासन की बैठक, बैठक में मौजूद लोगों से की गई चर्चा। बुलंदशहर में जल्द शुरू होगा स्वास्थ्य एटीएम, एटीएम का संचालन, लोगों को मिलेगा फायदा। औरैया में पुलिस की सक्रियता से चोरी की घटना टली, सीसीटीवी के जरिए चोरों की जा रही पहचान। फिरोजाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में सड़कों पर उतरे हिंदुवादी लोग, एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। औरैया में आपसी भाईचारा के बीच मनाए गए गणतंत्र दिवस और त्योहार, एसडीएम ने व्यापारियों के लोगों के साथ की बैठक। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर यति नरसिंहनाथ बद कसातंज, बोले आप जैसे लोगों समाज में कोई जरूरत नहीं है। हरदोई में स्कूल बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर ली यातायात नियमों के पालन करने की शपथ, प्रदेश में मनाया जा रहा यातायात माह। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने किया समीक्षा बैठक, संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भड़के भाजपा कार्यकर्ता, कार्यकर्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य का फूका पुतला। रायबरेली में स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार छात्रा को रौंदा, हादसे में दौरान छात्रा की हुई मौत। बुलंदशहर में बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर,
बाइक सवार की मौत हुई। बुलंदशहर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सिकंदराबाद में डीएम एसएसपी ने किया पैदल मार्च, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। चंदौली में तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जन्मदिन पार्टी में युवक ने तलवार से काटा केक। शहर में पुलिस ने चोरी के 100 मोबाइल फोन्स को फोन मालिकों को सौंपा, मोबाइल फोन के मालिकों के चेहरे पर दिखी खुशी। कासगंज में कलयुगी पिता ने नहर में फेंके 4 बच्चे, प्रशासन ने रेस्क्यू कर ऑपरेशन में 3 बच्चों को बाहर निकाला। बागेश्वर बाबा के समर्थन में उतरे हिंदू महासभा, बागेश्वर बाबा के समर्थन में हिंदू महासभा के लोग लगाए नारे। मेरठ में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर निकली नशेड़ी, नशेड़ी डॉक्टर का वीडियो हुआ वायरल, सीएमओ ने बैठाई जांच। रामचरितमानस मामले पर देवकी नंदन ठाकुर का बयान, बोले गलत विचारों का प्रभाव बढ़ने पर तब बढ़ता है अधर्म। लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र ने लगाई फांसी, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पीएमओ के लिए भेजा, जांच में जुटी पुलिस। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर